रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में विदेशी पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। कॉर्बेट घूमने के लिए भारतीय सैलानियों के लिए 45 दिन पहले ऑनलाइन आरक्षण खोल दिया जाता है, जबकि विदेशी सैलानियों के लिए ऑनलाइन आरक्षण 90 दिन पहले खुल जाता है। पिछले साल कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे को लेकर विवाद हुआ था, इस कारण विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग नहीं खुल पाई थी, लेकिन इस बार स्थिति बेहतर है। कॉर्बेट प्रशासन की ओर से इस बार विदेशी पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोली जा रही है, ताकि विदेशी पर्यटक पहले ही अपनी बुकिंग करा सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है वो 45 डेज पहले इंडियंस के लिए और 90 डेज पहले फॉरेनर्स के लिए खोली जाती है। फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, उनको अपना प्रोग्राम जो है वो पहले से प्लान करना पड़ता है। ये सोचते हुए एक व्यवस्था दी गई है जिसमें कि टूरिस्ट जो है, फॉरेन टूरिस्ट, वो अग्रिम रिजर्वेशन जो है वो 90 डेज पहले कर सकते हैं। उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। लाइव उत्तराखंड के लिए रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।